कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। तस्वीरें हमें मिल रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। चंदौली में सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका उन्हें हिरासत में लिया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता, उनके कैमरे से ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। अनुभव, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या चल रहा है, टकराव की स्थिति यहां बनती दिख रही है? देखिए बिल्कुल, ये कैसरबाग इलाका है और यहीं पर समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय है वो है। और सपा ने पहले ही कहा था कि 12 बजे वो कलेक्ट्रेट जाएंगे और वो ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन पुलिस ने इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी और सपा के कार्यकर्ताओं को कार्यालय के भीतर ही रोक दिया है। कार्यकर्ता देखिए किस तरह से पुलिस से गुत्थम गुट्टा कर रहे हैं, वो बाहर जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन पुलिस उनको बार बार रोक रही है। और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता चाहे बैरिकेडिंग पर चल रही है, पुलिस उन्हें यहाँ से उतार रही है। एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि टकराव हो सकता है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ तैनात की गई है और केवल यही नहीं, कैसरबाग नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि वहां पर भी आरएलडी का एक प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है, भारतीय किसान यूनियन का एक गुट जाने वाला है। किसानों के समर्थन में आज राजधानी लखनऊ में अलग अलग राजनीतिक दलों ने तो समर्थन का ऐलान किया ही है, वहीं किसान यूनियन भी वो कह रहे हैं कि वो कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। ज्ञापन देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर कार्यकर्ताओं के नीचे उतार रही है, लाठी जो भी ऊपर चढ़ रहा है उसे देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है नीचे उतरिए, क्योंकि धारा 144 राजधानी में लगी हुई है और कोविड-19 की भी अपनी एक गाइडलाइन है, सबको उसे फॉलो करना। पर हमें कोई नहीं दिख रहा है, हम आपको धरने की तस्वीर ये दिखाएं अगर तो सपा का कोई भी कार्यकर्ता बिना आपको मास्क के नजर आएगा, कोई भी मास्क लगाए नहीं आया है। यानी यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कोविड-19 शायद है नहीं और उस गाइडलाइन का भी उल्लंघन हो रहा है। धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन ने पहले ही कहा है कि किसी को भी कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे, प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ये है कि जो पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रहा है उसके खिलाफ वो लगातार इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए एक गेट ये है, एक गेट उस तरफ है, दोनों जो गेट है वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। और इस प्रदर्शन की वजह से चाहे वो कलेक्ट्रेट का इलाका हो, कैसरबाग का इलाका हो, अमीनाबाद का इलाका हो, सभी जगहों पर आम लोग बेहद परेशानी में हैं क्योंकि पूरे इलाके में जाम लगा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, पूरे इलाके में जाम लगा हुआ है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, किसी के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रहा। पुलिस वालों से भिड़ गए हैं सपाई कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। अनुभव, हाथों में बैनर है और यहाँ ये किस खंभे पर चढ़ने की कोशिश हो रही है या ये बैरिकेटिंग तोड़कर उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्टी कार्यालय के पास जो बैरिकेटिंग लगी है और जो दीवार है उस पर कुछ कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, कुछ जो पेड़ है यहाँ पर उस पर चढ़ गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें जाने दिया जाए कलेक्ट्रेट तक। लेकिन क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कहा हुआ है कि सभी जगहों पर पूरी राजधानी में धारा 144 लगी हुई है, इसीलिए किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। और दूसरा जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो साफ तौर पर ये कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मास्क भी नहीं पहना हुआ है और संक्रमण का खतरा लखनऊ में सबसे ज्यादा है, रोज सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ में सामने आते हैं, लेकिन किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता, लगातार यही कह रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए, कलेक्ट्रेट पर जाने दिया जाए। अगर आपको जाना है, ज्ञापन सौंपना ही है, तो आप एक प्रतिनिधि मंडल भेज सकते हैं, वो जाकर वहां पर डीएम को ज्ञापन सौंप सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि कहीं ना कहीं हंगामा हो, इस तरह के प्रदर्शन से पुलिस से उनका जो है झड़प हो, और पुलिस लगातार इस कोशिश में लगी है कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने पाए।
जी हाँ, मतलब एक तरफ तो किसानों ने ऐलान किया था कि 14 दिसंबर से जो है वो देश भर में सभी जिला कलेक्ट्रेट पर धरना होगा, बीजेपी सांसदों, नेताओं, विधायकों, बड़े नेताओं सबका घेराव होगा, लेकिन यहाँ कहीं किसान भी नजर आ रहे हैं या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही झंडे उठाकर और नियम कानून को धता बताकर कोविड के टाइम में ये टकराव करते हुए दिख रहे हैं? किसान तो हम नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं है, ये जरूर है कि सबने लाल टोपी सिर पर लगाई हुई है और हाथों में झंडा भी लिया हुआ है पार्टी का, तो साफ तौर से ये पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से किसानों का ये प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं, उसी के एक मुद्दा बनाकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की ये कोशिश है विपक्षी दलों की, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरएलडी हो, सभी किसानों के बहाने सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। और यहाँ पर भी हमें जो लोग दिख रहे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई जिला इकाई का है, कोई रोज हमें पार्टी कार्यालय पर लोग दिखते हैं, ये वही सब लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर इनसे पूछा जाए तो शायद इनको पता भी नहीं होगा कि वो जो तीन बेशक अनुभव, ये भी एक चर्चा का विषय है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कितने लोग इस कानून को जो है पूरी तरह से समझते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इन तस्वीरों के साथ, जो हंगामा चल रहा है लखनऊ इटावा दो जगह से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, सफाई कार्यकर्ता हंगामा बरपा रहे हैं किसान कानून बिल को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रुक रहे, बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।